Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Shiny Days. I'm Seher. Okay, first of all, I'm really really sorry. I took a really long break from YouTube. I was really inactive on YouTube and I really missed you guys so much. I was actually busy in some work. So आज मैंने बहुत time बाद ये video बनाई है. This is a full chit chat video. आप इसको बहुत अच्छे से enjoy करेंगे क्योंकि इसमें मैं share करने वाली हूँ अपनी skin के बारे में, hair के बारे में. You guys can see my hair. These are looking really really soft and beautiful. मैंने अभी recently में hair का treatment लिया है. And also my skin is looking really really beautiful nowadays. And this look is all about affordable Indian makeup products. आज मैं जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में यूज करने वाली हूँ सारे ही इंडियन ब्रांड से हैं, अफोर्डेबल रेंज के एंड ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स विद इन 500 की रेंज में हैं एंड उससे कम की रेंज में हैं. सिर्फ एक जो ये मार्स वाली पैलेट है दिस इज फॉर 599 रुपीज, बट ये भी आपको 500 और 550 में मिल जाती है एंड बाकी सारे ही प्रोडक्ट्स 250, 300, 350 के आसपास हैं. एंड इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू सी दैट हाउ यू कैन गेट दिस ब्यूटीफुल मेकअप लुक ऑन दिस फेस्टिव सीजन यूजिंग ऑल द अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स स्पेशली फ्रॉम द इंडियन ब्रांड्स, एंड ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय दिस वीडियो. तो करते हैं अपने मेकअप को स्टार्ट एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो में सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज के यूज करूं. मैं कोई भी ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना चाहती इस वीडियो में क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो. तो सबसे पहले अपने फेस को थोड़ा सा प्राइम करने के लिए आई एम टेकिंग दिस नायका का प्रेपनी अप प्राइमर एंड ये सैम्पल साइज है जो कि मुझे मिला था 199 रुपीज का, विच इज वेरी अफोर्डेबल क्योंकि आई डोंट थिंक कि 199 या फिर इसके आसपास में कोई भी अफोर्डेबल प्राइमर आता है. मे बी आता भी हो बट आई नेवर ट्राई. तो मैं इस प्राइमर को लगाऊंगी अपने फेस पे थोड़ा सा अपने फेस को मैटिफाई करने के लिए. एंड ऑल्सो यू गाइज कैन सी कि मेरा बैकग्राउंड भी चेंज है बिकॉज मैंने की है शिफ्टिंग, हमने अपना घर चेंज किया है एंड मैं बहुत ज़्यादा उस काम में बिजी रह गई थी. तो मैंने कोई भी मेकअप वीडियोज नहीं बनाई एंड कुछ भी पोस्ट नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा अनएक्टिव थी यूट्यूब पे. सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट एज वेल एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर स्टिकिंग, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा का ब्रेक ले लिया यूट्यूब से. मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, आई थिंक एक शॉर्ट पोस्ट किया था एंड उसमें भी मेरे व्यूज नहीं आए, विच वॉज रियली सैड फॉर मी. बट आई एम अगेन बैक विद सो मच एनर्जी एंड हैप्पियर. सो प्राइमिंग इज डन एंड बेस के लिए मैं कोई भी फाउंडेशन नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक्चुअली में कोई भी अफोर्डेबल फाउंडेशन नहीं है. आई हैव ऑल फाउंडेशन जो 500 के ऊपर की रेंज के हैं. सो बेस के लिए मैं ले रही हूँ आज ये लैक्मे की 925 CC3 जो कि बहुत अच्छी कवरेज देती है आपको एंड दिस इज SPF 30 PA++, तो कि आपके डे टाइम के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा मेकअप. सो इससे आज हम करेंगे अपना मेकअप. सो मैंने बहुत ही थोड़ा सा लिया अपने हैंड पे एंड इसमें मेरा शेड है 01 Beige. आई थिंक दिस इज द लाइटेस्ट शेड इन दिस रेंज एंड दिस इज टोटली ऑप्शनल कि आपको बीबी क्रीम यूज करनी है या सीसी करनी है या फिर आपको फाउंडेशन यूज करना है. अफोर्डेबल रेंज में एक फाउंडेशन मुझे जो पता है दैट इज फ्रॉम लैक्मे जो कि एक स्पैचुला के साथ आता है, विच इज वेरी फेमस फाउंडेशन. इट्स अराउंड 250 और समथिंग. तो मैं सबसे पहले सीसी क्रीम को डॉट कर दूंगी अपने पूरे फेस पे एंड वो फाउंडेशन भी काफी अच्छा है. मेरे पास फिनिश हो गया है, मैंने अपना फर्स्ट फाउंडेशन वही यूज किया था अपनी लाइफ में बिकॉज दैट वॉज रियली अफोर्डेबल एंड इजिली वो अवेलेबल था हर कहीं क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन भी बहुत कम प्रोडक्ट मिलते थे. सो ऑब्वियसली हम सब लोग कॉस्मेटिक स्टोर से बाय करना पसंद करते थे उस टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट, बट अब तो ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है. सो आई एम टेकिंग अ फ्लैट ब्रश एंड मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी और ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है. आप इसको अपने हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं एंड ब्रश से भी कर सकते हैं एंड ऑल्सो ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है आपको, लिटरली बहुत अच्छा कवरेज देता है. यू गाइस कैन सी इसने कितना अच्छा कवरेज दिया है मेरे फेस को एंड कोई भी मुझे फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें बिकॉज दिस सीसी क्रीम इज रियली रियली गुड. नेक्स्ट कंसीलर के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है. दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, इट्स देयर लिक्विड कंसीलर एंड आई एम इन द शेड सैंड सेबर जो कि बहुत ही अच्छा मैच करता है मेरी स्किन से. आई हैव 2 options इन कंसीलर्स, 1 is from Swiss Beauty एंड द अदर 1 is from Incolor जो कि अगेन बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बट ये स्विस ब्यूटी वाला उससे थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है. दिस इज फॉर अराउंड 160 or 170 के आसपास आपको सेल में मिल जाता है हमेशा, बट जो Incolor वाला है वो 250 or 299 के आसपास ही मिलता है. सो मैं इसको लगाऊंगी अपनी इम्परफेक्शन को थोड़ा सा कवर करने के लिए एंड ऑल्सो अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए. एंड इसकी कवरेज गाइस बहुत ही अच्छी कवरेज है. आई लव दिस सो मच. यू गाइस कैन सी आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द बॉटल क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ एंड विद द सेम ब्रश मैं इसको कर दूंगी ब्लेंड अच्छे से. ऑल्सो ये ब्रश जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. इसका सेट मैंने लिया था 1100 रुपीज़ का, अराउंड
8 years पहले, और अब तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है आपको, 250 और 300 के आसपास मिल जाता है, बहुत ही अच्छा रेंज है। एंड ये 12 पीस का सेट आता है एंड ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है मेरा ब्रश। मैं इसको वॉश करती हूँ, मैं रिपीट पे यूज़ करती हूँ इन ब्रशेज़ को, बट ये अभी भी ख़राब नहीं हुआ है। दे आर सो ब्यूटीफुल, इनके ब्रिसल्स बहुत अच्छे हैं। आप अमेजोन पे जस्ट सर्च कर सकते हैं वुडन ब्रश सेट, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। एंड ऑल्सो मुझे अगर लिंक मिलता है तो वो भी दे दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू गाइस कैन सी द कवरेज ऑफ दिस कंसीलर, लुक एट माय अंडर आई रिफ्रेंस, बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रहा है। लाइक आई एम लिटरली द फैन ऑफ इंडियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मैं पहले इनको यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी ऑनेस्टली, क्योंकि तब जो रेंज आती थी इनकी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, हमारे फेस पे स्टे नहीं रहता था उसका लॉन्ग टाइम पे। एंड अब जैसे मेकअप ब्रांड्स इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, तो हमारे इंडियन ब्रांड्स ने भी काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकालना शुरू किया है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। एंड मैं अब बहुत ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स बाय करने लग गई हूँ, बिल्कुल इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को टक्कर दे रहे हैं हमारे इंडियन ब्रांड्स। टू सेट माई फेस आई एम टेकिंग दिस एलेक्मे का रोज पाउडर एंड आई एम इन द शेड 01 सॉफ्ट पिंक। दिस इज फॉर लाइट स्किन एंड दिस इज द पाउडर विच आई यूज टू यूज अ लॉट टू यू गाइज, लिटरली अ लॉट। जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था मैं तभी से बहुत ज्यादा यूज करती थी, यानी इतना अच्छी क्वान्टिटी में आता है। इफ यू गाइज कैन सी दिस इज स्टिल फुल, ये बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। एंड आज मैंने इसको काफी टाइम बाद निकाला है यूज करने के लिए, आई डोंट नो ये एक्सपायर है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट मैं इसको यूज करी हूँ क्योंकि दिस इज अफोर्डेबल पाउडर। एंड ऑल्सो अगर आपको लूज पाउडर में और भी अफोर्डेबल रेंज में चाहिए कोई पाउडर, तो आप जा सकते हैं सिस ब्यूटी का HD लूज पाउडर, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है एंड वो बहुत ही अच्छा पाउडर है। यू गाइस शुड डेफिनेटली ट्राई दैट आउट। एंड अगर आपको चाहिए अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट, तो उसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मेबेलिन का ऑप्शन आता है एंड लैक्मे का आता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट में। तो इससे मैं सेट कर दूंगी अपनी अंडर आईज को। ओके, मैं काफी टाइम बाद इसको यूज कर रही हूँ, सो इट गेव मी अ लिटिल बिट ऑफ ड्राई पैचेस, बट ऑब्वियसली मैंने अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया था, ड्राई पैचेस होना तो बनता था लूज पाउडर में लगा, बट दैट्स फाइन, इतना ज्यादा भी नहीं लग रहा है, ड्राई पैचेस कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। And now with the powder puff, this is from May Create, which is very affordable again. आपने अगर मेरा हॉल नहीं देखा है, ब्यूटी हॉल जो कि मैंने अपलोड किया था, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जरूर देखना चाहिए। दिस इज वेरी अफोर्डेबल पाउडर, इसका लिंक आपको मिल जाएगा उस वीडियो के नीचे। इट कॉस्ट मी फॉर 189 के दो, तो मैं डस्ट कर रही हूँ पूरे पाउडर को अपने फेस पे। आपके इनर कॉर्नर्स के लिए काफी अच्छा है एंड स्मॉल एरियाज के लिए बहुत ही अच्छी तरह से आपके पाउडर को सेट कर देता है। नाउ टू कंट्रोल माई फेस, मेरे पास कोई भी एक्चुअली में अफोर्डेबल कंट्रोल नहीं था, मेरे पास जितने भी है सारे ही 500 की रेंज से ऊपर है एंड इंडियन ब्रांड में से आई डोंट थिंक कि मेरे पास कोई भी कंट्रोल है। सो उसके लिए मैं ले रही हूँ ये मिस क्लियर का आई शेडो एंड आई एम इन द शेड 0215। दिस इज अ वेरी नाइस बॉम टोन का कंट्रोल, बहुत ही लाइट ब्राउन कलर है, मेरी स्किन टोन के साथ परफेक्ट मैच है। एंड दिस इज द शेडो जो कि मैं यूज करती थी जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था अपने कंट्रोल के लिए, क्योंकि उस टाइम पे कंट्रोल लेना एंड ब्रॉन्जर्स लेना काफी ज्यादा टफ था, और ये मुझे मिला था आई थिंक 180 या फिर 200 रुपीज का, उस टाइम पे वो भी बहुत ज्यादा था मेरे लिए, क्योंकि मैं टीनेज में थी एंड मुझे पॉकेट मनी ज्यादा नहीं मिलती थी, तो मुझे बहुत ही कम अमाउंट अपनी सेविंग्स को इकट्ठा कर करके एंड मुझे अपने प्रोडक्ट्स बाय करने पड़ते थे एंड पेरेंट बिल्कुल नहीं अलाउ करते कि आप छोटी एज में मेकअप स्टार्ट कर दें, बट आई एम डिफरेंट, मैंने स्टार्ट किया एंड जल्दी से कंट्रोल करते अपने फेस को, बहुत ही अच्छा आई शेडो है गाइज। अगर आप इसके सिंगल आई शेडोज बाय करेंगे ना, दे आर जस्ट सुपर अमेजिंग, सुपर ब्लेंडेबल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एंड ऑल्सो मिस क्लियर इज अ वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स ऑफ इंडिया, बहुत ही अच्छे एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करता है मिस क्लियर, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड ऑल्सो मिस क्लियर की एक पैलेट आती है विच इज फॉर अराउंड 1300 और 1400, ब्लश पैलेट है उसकी, बहुत अच्छी है, अगर मुझे उसका भी लिंक मिलता है तो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो पैलेट भी, जो कि मैं यूज करती थी पहले अपनी ब्राइड्स पे, बट अब नहीं करती हूँ अब क्योंकि और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं ब्लशर पे एंड अगेन आई हैव अ रियली ब्यूटीफुल ऑप्शन फॉर यू गाइस। दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड आई एम इन द शेड 06 ऑफ न्यू, इट्स देयर डायमेंशन ब्लश आई थिंक, इस पे कुछ भी नाम नहीं लिखा है बट स्विस ब्यूटी लिखा है सिर्फ, एंड दिस इज अ रियली अफोर्डेबल ब्लशर। मुझे ये मिला था अराउंड 230 और 250 में सेल के टाइम पे, इसका एक्चुअल प्राइस जो भी होगा मैं आपको लिंक में दे दूंगी। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल शेड यू गाइस, दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल, आई लव दिस शेड सो 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 मच, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। लेट मी शो यू द स्वॉच सिंगल, मैंने लेट मी शो यू ऑन माय अदर फिंगर, लुक एट, हल्का सा टच किया है मैंने एंड बहुत ही सुंदर पिगमेंटेशन है इसकी, तो मैं लगाती हूँ इसको अपने चीक्स पे। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ माय स्किन,
मुझे स्किन केयर करना काफी ज्यादा पसंद है, मैं स्किन केयर करती हूँ, रेगुलर बेस पे करती हूँ, बट आई फील लाइक कि हमें अपने आप को पैम्पर जरूर करना चाहिए एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, क्योंकि स्किन केयर डेली करने के बाद भी आपके फेस पे उतना फर्क नहीं आता है जितना आप प्रोफेशनल से पैम्पर करवा के आप अपने फेस पे फर्क ला सकते हैं। इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपको एटलीस्ट वंस इन अ मंथ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, ब्यूटिशियन के पास जाना चाहिए अपने फेस के लिए, क्योंकि वो जो आपको फेशियल्स प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ भी ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो वो आपकी स्किन के लिए एक्चुअल में बेनिफिशियल होता है। स्किन केयर हम कुछ भी यूज करते रहते हैं, कभी भी यूज करते रहते हैं, कभी हम भूल जाते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते। एंड अब मैं इसको कर दूंगी ब्लेंड। एंड गाइस, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप एटलीस्ट वंस इन अ मंथ जरूर जाएं ब्यूटिशियन के पास, अपना फेशियल करवाएं एंड आपको डिफरेंस दिखेगा विद इन अ 6 मंथ्स। आपकी स्किन टाइट लगना शुरू हो जाएगी, रिंकल्स कम हो जाएंगे, विच इज अ रियली गुड थिंग फॉर योर स्किन। आप अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं जिससे आपका माइंड है बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है। एंड मैंने भी जब शिफ्टिंग की सो आई रियली वॉन्टेड टू पैम्पर माई सेल्फ, इट वॉज सो हेक्टिक खुद भी स्किन केयर करने के बाद, या फिर आप कितना कर लेंगे यार, आप फेशियल कर सकते हैं घर पे कैसे, आपको प्रॉपर पॉइंट्स नहीं पता है अपने फेस के कि कहाँ पे प्रेस करना है, कहाँ से आपका माइंड रिलैक्स होगा, कहाँ से आपकी फेस की मसल रिलैक्स होंगी। सो हाउ कैन यू से कि हम घर पे फेशियल कर लेते हैं। आई फील लाइक कि आपको जरूर जाना चाहिए प्रोफेशनल्स के पास अपनी स्किन के लिए, क्योंकि स्किन को लेके हमें आई थिंक बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमारी स्किन अगर डल होने लग जाएगी तो कहीं भी जाने में हम खुद भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। सो बहुत बातें हो गई, मूव करते हैं हाइलाइटर पे। सो आई एम टेकिंग दिस ग्लैम हाइलाइटर एंड दिस इज बाय कलर स्क्रीन। ओके, इट्स द ब्रिक हाइलाइटर, यू गाइस कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल से 5 शेड्स हैं इसमें, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल हाइलाइटर। तो इसको यूज करते हैं एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबल, आपको मिल जाता है ये अराउंड 200-250 के आसपास। एंड आई एम इन द शेड 03 जो कि थोड़ा सा पिंकिश गोल्डन अंडरटोन में है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सेम ब्रश ले रही हूँ मैं एंड मैं इसी से करूंगी अपने फेस को हाईलाइट। Look at this glow. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स अगर लेते हैं तो आप उससे मेकअप नहीं कर सकते। गाइज, दिस इज सो रॉन्ग। ओके, मैंने पिंक लगा दिया यहाँ पे, बट इट्स ओके, दिस इज सो रॉन्ग कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द राइट टेक्निक कि आपको किस तरह से लगाने हैं प्रोडक्ट्स। हाँ, यहाँ पे मैंने ठीक लगाया, यहाँ पे मैंने पिंक लगा दिया एंड इसी से मैं हाईलाइट कर दूंगी अपने नोज एरिया को। आई फील लाइक कि आपको, अगर आप बिगनर्स हैं, आपको स्टार्टिंग में अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में ही स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं गाइज ऑनेस्टली। क्योंकि मैंने भी जब मेकअप स्टार्ट किया था एंड इवन अभी भी मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स लेना पसंद करती हूँ ज्यादा। आई एम अ मेकअप लवर, मुझे मेकअप लेना बहुत ज्यादा पसंद है, अफोर्डेबल रेंज में भी एंड एक्सपेंसिव मेकअप लेना भी, क्योंकि मेरे पास इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं खुद भी मुझे याद नहीं रहता मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मुझे कौन से यूज करने हैं, कौन से नहीं करने। सो इसलिए आई प्रेफर कि मैं अफोर्डेबल रेंज के भी लूँ मेकअप प्रोडक्ट्स एंड एक्सपेंसिव में जो मुझे पसंद आता है मैं लेती हूँ, बट मैं अफोर्डेबल में ज़्यादा जाती हूँ ताकि वो मेरे जो मनी है वो वेस्ट ना हो अगर मैं उस प्रोडक्ट को कभी रख के भूल जाऊँ। सो द हाईलाइटर इज डन एंड अब हम मूव करते हैं अपने आई मेकअप पे। सबसे पहले हम करते हैं अपने ब्राउज। सो आई हैव दिस मेबेलिन की ब्राउ पेंसिल, एक्चुअली मैं मेरे पास अफोर्डेबल रेंज में भी है, दैट इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी। इट्स देयर ब्राउ पेंसिल जो कि एक स्पूली के साथ आता है, बट मेरा सामान इतना ज़्यादा इधर उधर हुआ पड़ा है शिफ्टिंग की वजह से तो मुझे वो मिल नहीं रहा था, बट मैं उसकी पिक्चर डालूंगी, आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। बहुत ही पिगमेंटेड आईब्रो पेंसिल है, बहुत ब्यूटीफुल है, बट मुझे वो नहीं मिल रही थी। सो आई एम सो सॉरी, मैं ये मेबेलिन वाली यूज कर रही हूँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, दिस इज अराउंड 300 और 350। फिल करते हैं अपने ब्राउज को एंड इस पेंसिल की मुझे जो एक बात अच्छी लगती है दैट इज कि ये ओवर पिगमेंटेड नहीं है। आप इसको अगर दबा के भी लगाते हैं तो ये ओवर पिगमेंटेड लाइंस नहीं छोड़ती, बहुत ही ब्यूटीफुली लगते हैं आपके ब्राउज पे। एंड इसकी सेकंड साइड पे आपको मिल जाता है पाउडर, वो मैं ले रही हूँ ये ब्राउ कॉम जो कि टूट चुकी है, बट अगेन मुझे यही यूज़ करनी पड़ेगी बिकॉज आई लिटरली डोंट नो मेरा सामान कहाँ पर है। मैंने ऑलमोस्ट सारा कर लिया है सेट ताकि वीडियोस बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बट थोड़ा बहुत रह गया तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो द ब्राउज आर डन एंड अब मूव करते हैं अपने आई मेकअप पे। उसके लिए भी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, दिस इज़ फ्रॉम मार्स, इट्स देयर जश्न श्रृंगार पैलेट जो कि न्यू लॉन्च है उनका, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेट है गाइस। दिस इज एक्चुअली फॉर 599 रुपीज़, बट आपको लुक एट द शेड्स, आपको इसमें इतने सारे शेड्स मिल जाते हैं, पार्टी वियर शेड्स हैं,
रेगुलर शेड्स हैं, ग्लिटर्स हैं, मैट शेड्स हैं, शिमर शेड्स हैं, आपको इसमें हर एक शेड मिल रहा है। सो आई थिंक कि 599 इज अ रियली नाइस अमाउंट फॉर दिस पैलेट। दिस इज द परफेक्ट पैलेट फॉर फेस्टिव सीजन, फॉर न्यू ब्राइड्स, फॉर मैरिड, फॉर अनमैरिड। मुझे पर्सनली ये पैलेट इतनी ज्यादा पसंद आई है, इसकी जितनी तारीफ करूँ मैं उतनी कम है। मेरे ब्रशेज भी काफी ज्यादा डर्टी हो गए हैं, मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला अपने ब्रशेज को क्लीन करने का, बिकॉज आई वॉज रियली रियली बिजी। तो सबसे पहले मैं जो शेड ले रही हूँ इसमें से, दैट इज जशन, एंड विद अ ब्लेंडिंग ब्रश इसको मैं लगाऊंगी अपनी क्रीज पे, एंड सेम कलर को मैं लगा रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पे भी। नेक्स्ट आई एम टेकिंग द शेड विदाई फ्रॉम द पैलेट, विच इज अ वेरी नाइस पर्पल काइंड ऑफ शेड। तो इसको मैं लगाऊंगी अपने आउटर कॉर्नर्स पे, एंड देन मैं इसको कर दूंगी ब्लेंड अच्छे से, एंड ऑल्सो अपनी लोअर लैश के भी आउटर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ मैं इसको साथ साथ, एंड लगाऊंगी इसको अपने इनर कॉर्नर्स पे भी हल्का सा, एंड अब मैं इसको कर दूंगी ब्लेंड। नाउ आई एम टेकिंग द शेड दावत ए इश्क फ्रॉम द पैलेट, बहुत ही प्यारा शिमरी पर्पल शेड है, एंड इसको लगाऊंगी मैं अपने मिडल ऑफ द आईलिड्स पे। Can you guys see the shade? It's just so beautiful. Middle of the lower lash line पे भी You guys can see कितना अच्छा halo kind of effect मिला है हमारी eyes को, and बहुत ही अच्छा लग रहा है ये eye look. बहुत ही simple, easy steps में ये makeup look complete हो गया है, and मैं जल्दी से कर लेती हूँ अपनी दूसरी eye, and then I'll be right back. So my eyes are looking already beautiful, but मैं आज use करने वाली हूँ थोड़े से pigments अपनी eyes पे. So this is the pigment, really nice bluish purple tone का pigment. ये actually में Aries की एक palette आती है जिसमें आपको loose pigments मिलते हैं, साथ में आपको छोटे छोटे से ब्रशेस मिलते हैं जिसकी मैं पिक्चर डालूंगी ऑब्वियसली, एंड मैंने उसको यहाँ पे रबिंग अल्कोहल डाल के इसको मैंने प्रेस पिगमेंट की तरह बना दिया है। लेट मी शो यू, मैंने इसको डीआईवाई कर दिया था, एंड ये बहुत ही सुंदर पिगमेंट्स है गाइस, बिकॉज लूज पिगमेंट यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अपने बेस के बाद, तो मैं इसको यूज करूंगी, एंड आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं लगाना चाहते, बट मैं थोड़ा सा लगाऊंगी इस लुक को एक्स्ट्रा दिखाने के लिए। एंड अगेन बहुत ही अफोर्डेबल है, वो भी पिगमेंट वाली पैलेट ADS की आती है, या फिर आई डोंट नो व्हाट द ब्रांड इट इज, एंड आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, यू गाइस कैन सी द डिफरेंस, आपकी आई लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। आई हाईली हाईली रिकमेंड दैट पिगमेंट। अगर आप सिंगल पिगमेंट लेने जाते हो ना, तो आपको वो मिलता है अराउंड 150-250 के आसपास सिंगल पिगमेंट, वो पैलेट जो है वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती है, 150 और 250 की आपको पूरी पैलेट मिलती है। लुक एट माय आईज गाइस, दीज आर लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल, एंड इसको मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे भी। This look is something else. This is looking really, really beautiful. So move करते हैं अपने आगे के मेकअप पे, वरना बहुत लेट हो जाएगी। Already वीडियो बात करने से बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, because I miss you guys so 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 much, and मुझे बहुत सारी बातें करनी थी आप लोगों से। Now हम लगाएंगे eyeliner थोड़ा सा, and I'm taking this color bar का waterproof liquid eyeliner in the shade black. बहुत ही affordable है ये, मैंने सेल में लिया था तो मुझे buy one get one free मिला था color bar का, which was a really nice deal. तो मैं इसको लगा रही हूँ, एंड मैंने क्रिएट किया है बहुत ही ब्यूटीफुल सा पतला सा विंग, लाइक सिर्फ आउटर पार्ट पे, जस्ट टू गिव माई आई अ लिटिल बिट ऑफ द शेप। ओके, सो लाइनर इज ऑल्सो डन, एंड नाउ आई एम कर्लिंग माई लैशेज। एंड गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पे चल रहा है बहुत अच्छा गिव अवे, जिसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस रूल्स को फॉलो करके कर सकते हैं मेरे गिव अवे में एंटर, क्योंकि जब वो गिव अवे खत्म होगा तो मैं एक बहुत ही बड़ा गिव अवे उसके बाद लेके आने वाली हूँ। तो जरूर जरूर मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड शेयर कर देना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मूविंग टू द मस्कारा, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का मस्कारा है, दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, इट्स अ प्रेसीजन थिकनिंग लॉन्ग लैश मस्कारा, एंड दिस कॉस्ट मी फॉर 183 रुपीज अगेन इन द सेल, बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे ये मिल गया था। सो मस्कारा इज डन, आप लोग अपनी लुक यहीं पे खत्म कर सकते हैं, बट मैं लगाऊंगी आज आईलैशेस, क्योंकि बहुत दिन हो गए गाइस मैंने मेकअप नहीं किया, एंड आई रियली मिस माय मेकअप सो 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 मच, एंड मैं कट कर रही हूँ अपनी लैश को थोड़ा सा साइड से, बिकॉज दिस इज रियली लॉन्ग फ्रॉम माय लिड्स। लैश ग्लू के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मिस क्लियर की लैश ग्लू इन द शेड डार्क, बहुत ही अच्छी लैश ग्लू है, बट आई थिंक कि मुझे व्हाइट टोन वाली लैश ग्लू ज्यादा पसंद आई थी मिस क्लियर की डार्क टोन से, क्योंकि डार्क टोन आई बिलीव कि कहीं पे भी हल्का सा भी लग जाए ना साइड, तो आपके मेकअप की आई मेकअप की धज्जियां उड़ जाती हैं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। एंड अपने लोअर वाटर लाइन को थोड़ा सा टाइट लाइन करने के लिए आई एम टेकिंग दिस ब्लू हेवन का काजल, एंड दिस इज इन द शेड जेट ब्लैक।
सो काजल इज ऑल्सो डन एंड जल्दी से मूव करते हैं अपने लिपस्टिक एंड लिपस्टिक के लिए तो हमारे पास बहुत सारे अफोर्डेबल ऑप्शन है गाइज. नायका की लिपस्टिक्स हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती हैं. देन लैक्मे की है जो कि अगेन अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती है. देन यू हैव दिस लव अर्थ की लिक्विड मूज लिपस्टिक्स. मिनी लिपस्टिक्स हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हैं ये भी. बट आज जो मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस इज़ फ्रॉम इन कलर. इट्स द मैट क्रेयॉन लिपस्टिक एंड आई एम इन द शेड 03 नाइट आउट. बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूड शेड है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाती है. You guys can see कितना beautiful shade है, proper matte है. So अपने look को finish करने के लिए मैं wear करूँगी earrings. So I have this earrings today. This is really really beautiful. You guys can see बहुत ही beautiful से tassels हैं इसके नीचे lavender and pink color के, जो कि मेरे outfit के साथ, मेरे makeup के साथ बहुत अच्छे से जाने वाला है. एंड लास्ट में मैं वियर कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा दुपट्टा जो कि इस सूट के साथ ही मिली थी मुझे. यू गाइस कैन सी मेरे हेयर कितने ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं बिकॉज आई गॉट सम हेयर ट्रीटमेंट्स रिसेंटली. सो थोड़ा सा कर लेते हैं अपने हेयर को फॉर्म. सो दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है. अगर आप इसमें बिंदी या फिर सिंदूर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट आई रियली डोंट वॉन्ट टू अप्लाई बिंदी और सिंदूर आज की इस लुक में, ताकि ये लुक जो हमारी गर्ल्स हैं वो भी वियर कर पाए एंड हमारी लेडीज भी वियर कर पाए इस फेस्टिव सीजन में. फेस्टिव सीजन इज ऑलमोस्ट देयर. आपको ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट एनी वीडियो. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.